हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और मैं हूं धर्मेंद्र। जैसा कि मैं हमेशा संतों की जो है कुटिया और संतों के दर्शन करवाता रहता हूं, उसी कड़ी में मैं आज आपको ऐसे एक जंगल में लेके आया हूं जहां हम पहुंच तो गए हैं, मैं भी पहली बार आया हूं, लेकिन संत यहाँ मौजूद नहीं थे। और संतों की ये जो कुटिया है जो आप देख सकते हैं, और इस कुटिया के लॉक लगा हुआ है, ये घंटेश्वर महादेव का मंदिर है दोस्तों, और यहाँ संत मौजूद है नहीं, फिर भी मैं ये कुटिया आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो है संतों से भी मिलवा के आपसे संतों से भी बात करवाऊँगा। तो ये जो है कुटिया है जो आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर में ये संतों का आसन है, और जो धूणा वगैरह भी ये यहाँ है। ये कच्ची कुटिया है संतों की, और संत यहाँ मौजूद है नहीं। और इधर जो है भगवान घंटेश्वर महादेव का मंदिर है, और ये जो है स्थान यहाँ जो है सामने दिख रहा है, ये संतों का रसोड़ा है, वो भी अभी बंद है फिलहाल, और चूल्हा आपको दिख रहा है, ये मंदिर है। तो मैं आपको मंदिर के भी दर्शन करवा देता हूँ, तो आपको लेकर चलता हूँ मंदिर की ओर। तो ये जो मंदिर है, ये घंटेश्वर महादेव का मंदिर है, इसका लॉक खुला है दोस्तों, और मैं आपको ये दूना है, दूने के दर्शन करवा दिए। और अब ये जो है शिव जी का स्थान है, और ये शिव जी के स्थान के लिए आपको दर्शन करवा देता हूँ दोस्तों। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये शिव जी का स्थान है, ये भी यहाँ से बंद है दोस्तों। तो अंदर ये शिव जी का जो आपको शायद नहीं दिखेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम में जब भी मैं आऊँगा तो आपको संत महात्मा से भी मिलवाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो एकदम बंद किया हुआ है, तो इसको अब खोलेंगे नहीं, संत महात्मा यहाँ है नहीं। और उसी के बाद में मैं अभी आपको ये जो मंदिर का ये जो है व्यू, ये आप देख लीजिएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये इधर का ये पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ भी वन्य जीव जो जंगली हिंसक जीव काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। और ये संतों की जो है कुटिया है, ये भी आप देख सकते हैं, पीपल का ये वृक्ष और संतों की ये कुटिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दें, और आप अगर किसी भी तरीके से संतों की सहायता या मदद करना चाहते हैं तो आप बेट डिस्क्रिप्शन में नंबर लगे हुए हैं, उस पर आप पहुँचा देवे। और अब मैं आपसे ले रहा हूँ विदा, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीताराम, जय सियाराम।